नमस्कार स्टूडेंट, आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन पर। आपको ये बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, या है तो आप उस आंसर को जस्टिफाई करिए कि ये क्यों है। साथ में उसने कहा है कि यदि रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है तो ज़रा ये बताइए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है ना। आप ज़रा जानते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है? सभी फंक्शन तो रिलेशन होते हैं लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, ठीक है? यदि आपको आंसर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। यदि एक एलिमेंट की केवल एक इमेज आती है, एक एलिमेंट की एक इमेज आती है, स्टूडेंट ये एलिमेंट है और ये इसकी क्या मानी जाती है, इमेज आती है। अब ज़रा यहाँ पर हम देखें तो ये क्या हो रहा है आपके साथ। यहाँ पर ये हो रहा है कि वन की वन इमेज है, ठीक है, ये इसका डोमेन है और इसका इमेज क्या है, वन है। यहाँ वन की वन इमेज है, वन की दो इमेज नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इस वन की ये भी इमेज आ रही हो और इस वन की यहाँ पर कुछ और इमेज आ रही हो। यदि ऐसा होता तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होता। ये रिलेशन तो होता लेकिन फंक्शन नहीं होता। ये जरूरी है कि एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। टू की यहाँ पर थ्री इमेज है और थ्री की आपके पास टू की थ्री इमेज, थ्री की फाइव इमेज है और फोर की सेवन इमेज है, राइट? आप क्या लिखोगे, ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। क्या कंडीशन है कि ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। एक बात और समझ लें, यदि यहां पर कोई एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी कोई इमेज ही नहीं होती, ठीक है, तो भी उस रिलेशन को अपन क्या है, फंक्शन नहीं कह पाते, राइट? लेकिन यहां पर एक्चुअली आपके पास इस फॉर्मेट में दे रखा है, ये रोस्टर फॉर्म आपको गिवन है। आपको रोस्टर फॉर्म में ये गिवन है कि वन की वन इमेज है, टू की थ्री इमेज है, थ्री की फाइव इमेज है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस कंडीशन में एक एलिमेंट की एक इमेज है, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर ऐसा भी होता जो वन कॉमा टू भी होता। इसमें एक ऑर्डर पेयर ऐसा और लगा होता तब इस केस में ये रिलेशन फंक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पर वन की क्या हो जाती, टू भी इमेज हो जाती। तो इस कंडीशन में इस रिलेशन को अपन फंक्शन नहीं कहते हैं। फंक्शन के लिए जरूरी है कि एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना, बस में आ गए। एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए, राइट? चलिए सर, अब आपके पास दूसरी कंडीशन है। ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये है कि आपके पास जी एक्स जो है वो एल्फा एक्स प्लस बीटा दे रखा है। अब जी एक्स का मतलब है जी में ये एक्स होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जी में यह वन डालेंगे हम तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर वन आएगा, ठीक है। और जी में टू पुट करेंगे तो हमारा इमेज क्या आएगी, थ्री आएगी। जी में थ्री पुट करेंगे तो फाइव आएगा, फोर पुट करेंगे तो क्या आएगा, सेवन आएगा। देखिए जी में यहाँ पर हम वन पुट कर दें, यहाँ पर हम वन पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एल्फा इंटू वन प्लस बीटा, ठीक है ना। जी में हमने वन पुट करा तो क्या आया, एल्फा इंटू वन प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल है, ये स्टूडेंट आपको वन के इक्वल है। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई ना। यदि आप इसमें जी में टू पुट करेंगे, जब यहाँ पर आप टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्फा टू प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल है, ये थ्री के इक्वल है। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं? ये तो दो लीनियर इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकाल देता हूँ। ये क्या है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन है और ये आपके पास टू एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, थ्री है। यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल्फा बराबर माइनस टू आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो एल्फा कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। स्टूडेंट आपके पास एल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, टू आएगी। एल्फा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो तो बीटा पता लग जाएगा। आपके पास एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, वन है। ये टू है, टू प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा। बीटा इक्वल टू कितना आएगा, वन माइनस टू आएगा, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन आ गया, ठीक।
तो अल्फा की वैल्यू 2 होगी और सर बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझी हमने, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझी कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, समझे। इस फंक्शन के अंदर यदि ये फंक्शन है ठीक है या ये रिलेशन है तो इसमें यदि 1 पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 पुट कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हम जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और आंसर कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा है, इसे 1 के बराबर रखेंगे। जब इसमें 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 पुट कर लिया हमने, ठीक है ना, यहाँ 2 पुट करा एक्स की जगह पर 2 पुट करा तो 2 अल्फा प्लस बीटा कितना आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है, 3 इसकी इमेज आ रही है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरह से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई हो तो ये बात अपने फ्रेंड को भी समझाइए, हैं। यदि आपने ये बात अपने फ्रेंड को समझा दी तो ये विश्वास करिए फिर बात आपको 100% समझ में आ चुकी है। यदि आपको कोई बात अच्छी तरह समझ नहीं है तो जरूरी है कि आप वो बात किसी को अच्छी तरह समझा दीजिए, आपकी समझ में रियली बहुत अच्छी तरह आ जाएगी। आप ऐसा करना कोशिश करिए, फ्रेंड की हेल्प करने की कोशिश करिए, रियली आपकी बहुत हेल्प होगी। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। आजकल आपके एग्जाम चल रहे हैं, मैं समझता हूँ यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, थैंक यू।